मैं तो आज इस मंच से ये मांग करता हूँ कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। देखिए जी, इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे, उन्होंने बोटे की नहीं है, सब कुछ हुआ है, बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया। फिर हमें चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा थी, या यूं कहें कि टीम इंडिया का वार्म अप मैच था। तैयारी दोनों ही तरफ से जबरदस्त थी, लेकिन ऐन मौके पर बाजी टीम इंडिया के हाथों से निकल गई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। नंबर गेम मुफीद होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गेम बिगड़ गया। दोनों दल मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सके। पहले नए मेयर मनोज सोनकर को सुनिए, फिर बताएंगे आम आदमी पार्टी किसे गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि एक मैं छोटा सा मामूली सा व्यक्ति था कि जिन्होंने पता नहीं कहां से मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता देखी, क्या देखी, मुझे एक छोटा सा उठाकर कहां बिठा दिया और सेवा का मौका करने का मुझे मौका दिया, सेवा करने का चंडीगढ़ शहर का। तो मैं तहे दिल से अपनी पूरी भाजपा का धन्यवाद करना चाहूंगा। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर, जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, मेरा मानना तो ये है कि भी इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते, तो ये स्टेटे क्या चलाएंगे। मनोज सोनकर खुश हैं, लेकिन ये जीत और ये लड़ाई इतनी भी सहज नहीं है जितने दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे थी। 20 पार्षदों वाला गठबंधन मेयर चुनाव में हार गया और 16 वोट के साथ मनोज सोनकर चुनावी बाजी जीतकर चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर निर्वाचित हो गए। आम आदमी पार्टी इस जीत को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, प्रिसाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं तो आज इस मंच से ये मांग करता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर ने देशद्रोह किया है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सबसे बड़ा दोषी है भी, जरूर हम कंप्लेंट भी करेंगे, कार्रवाई की मांग भी करेंगे, और सिर्फ कार्रवाई की नहीं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। दरअसल आपके गुस्से और नाराजगी की वजह जानने के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नंबर गेम और आंकड़ों की बाजीगरी वाला खेल समझना होगा। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के बाद 13 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के 7 पार्षद हैं और एक पार्षद शिरोमणि अकाली दल का है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्थानीय सांसद को भी मतदान का अधिकार है। चंडीगढ़ से बीजेपी की किरण खेर सांसद हैं। किरण खेर को भी जोड़ लें तो बीजेपी की स्ट्रेंथ 15 पहुंचती है, जबकि साझा उम्मीदवार उतारने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्ट्रेंथ 20 पार्षदों की है। 35 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट है। कुल 36 वोट वाले मेयर चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए 19 वोट के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी था। बीजेपी के पास उसके अपने पार्षदों सांसद मिलाकर संख्या बल 15 वोट तक ही पहुंच रहा था। शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी जोड़ लें तो बीजेपी का वोट 16 तक ही पहुंच रहा था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 मिलाकर वोटों का आंकड़ा 20 तक पहुंच जा रहा था। दोनों दलों ने जब हाथ मिलाकर साझा उम्मीदवार उतारा, मेयर चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी परचम लहरा चुकी थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े, और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया। ऐसे में जानना जरूरी है कि आप और कांग्रेस का खेल आखिर बिगड़ कैसे गया। मेयर चुनने के लिए सभी 35 पार्षदों और सांसद किरण खेर ने वोट डाले। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में 16 वोट पड़े थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार के पक्ष में
20 वोट पड़े थे। अब हुआ ये कि कांग्रेस आप उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट रिजेक्ट हो गए। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बेहद चिंताजनक है। इधर बीजेपी इंडिया गठबंधन से वार्म अप मुकाबले में मिली जीत का जश्न मना रही है। चंडीगढ़ मेयर सीट पर मिली जीत की खुद जेपी नड्डा ने बधाई दी है। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। यह कि इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और फिर भी बीजेपी से हार गया, ये दर्शाता है कि न तो उनका अंकगणित काम कर रहा है और न ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है। हालांकि मेयर चुनाव में मिली हार को आप और कांग्रेस इतनी आसानी से बचाने वाली नहीं है। जाहिर है कोर्ट में मामला पहुंचेगा, आरोपों का लंबा सिलसिला चलेगा, लेकिन बीजेपी फिलहाल जीत के जश्न में डूबी है क्योंकि आंकड़ों में तो उसे ही जीत मिली है।